हिम किरीटनी पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की एक प्रसिद्ध रचना है। पिछले कार्यक्रम में हमने इस कविता के संबंध में कुछ व्याख्याएं प्रस्तुत की थी। इस कविता में पंडित माखनलाल चतुर्वेदी ने प्रकृति के माध्यम से यह बतलाने की चेष्टा की है कि अंग्रेजी शासक हमारी भारतीय संपदा, हमारे प्राकृतिक वन संपदा, हमारे मान सम्मान और हमारे भौतिक सुखों का दोहन कर रहा है। वह विश्व में हमें अधिक कीर्तिमान बनाने का लालच देकर अपना दास बनाना चाहता है, अनुगामी बनाना चाहता है और हमारे अंतःकरण में जो कुछ भी हमारी इच्छाएं हैं, हमारी कामनाएं हैं या हमारे संकल्प हैं या हमारे प्रयत्न हैं, उन सब को जान लेना चाहता है। और हमारे कुछ साथी जो स्वतंत्रता के आंदोलन में आगे हैं, उनके रहस्यों को जानकर उनके प्रयत्नों को विफल कर देना चाहता है। इसलिए भारतीय जनता को आगाह करते हुए इस कविता के माध्यम से पंडित माखनलाल चतुर्वेदी यह बतलाना चाहते हैं कि हमें कभी भी अंग्रेजी शासकों के प्रति उनके सामने अपने विचारों को प्रकट नहीं करना है और जो कुछ भी प्रयत्न हमारे स्वतंत्रता के लिए हो रहे हैं उसमें हमें निरंतर आगे बढ़ना है, तभी हम अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकेंगे। यह जो हमारा समय है वह संकट और परीक्षा का समय है। हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है। यद्यपि हमारे जीवन में सुख के अनेक उपादान उपस्थित हैं, वे आमोद प्रमोद के लिए या अन्य बातों के लिए, आनंद के लिए हमें बार बार आकर्षित कर रहे हैं, किंतु उनकी तरफ हमें ध्यान नहीं देना है। और हमारे जीवन का इस समय जो एकमात्र ध्येय है कि हमारा देश पराधीनता की जंजीरों में जकड़ा हुआ है, उससे उसे मुक्त कराकर हमारे संपूर्ण देश को, राष्ट्र को स्वतंत्र कराना है, बस यही एकमात्र ध्येय है। और जब तक हमारा देश स्वतंत्र नहीं हो जाता तब तक हमें किसी भी प्रकार के सुख का भोग नहीं करना है। यही बात इस कविता के माध्यम से पंडित माखनलाल चतुर्वेदी देना चाहते हैं। हिम किरीटनी के बचे हुए व्याख्या के अंशों को प्रस्तुत किया जा रहा है। वृक्ष के अंतर्हृदय की री मृदुलतर शक्ति, फलों की जननी, सुगंधों की अमर अनुरक्ति, छोड़ तू बड़भागिनी ये उभय लालच छोड़, आज तो सिर काटने में हो रही है होड़। अरे व्यर्थ नहीं कि प्रीतम मांगता है दान, ले अमर तारुण्य अपने हाथ हो कुर्बान। मिटेंगी मिट जाए चंचल चाह, मुंदी रह तू हो न अरी तबाह। इन पंक्तियों में पंडित माखनलाल चतुर्वेदी ने प्रकृति के माध्यम से एक संदेश दिया है। वृक्ष के अंतर हृदय की री मृदुल तल शक्ति, अंतर शब्द का प्रयोग यहाँ पर भीतरी भाव को अभिव्यक्त करता है। तो वृक्ष जो होता है उसमें उसका जो हृदय होता है उसके भीतर बहुत गहरी शक्ति है, बहुत गहरा रस है, क्योंकि उसी वृक्ष के रस से उसमें फूल आते हैं और फल आते हैं। और यह एक ऐसी कोमल शक्ति है जो फलों की जननी के रूप में भी प्रयुक्त होती है और फूलों की सुगंधों के रूप में उसकी अनुरक्ति के बीच के लिए भी प्रयुक्त होती है। क्योंकि फूल यदि हैं तो उसमें पराग है, सुगंध है, मधुरता है और यह आसक्ति का कारण बनती है। तो वृक्ष के अंतर्हृदय की ये री मृदुलतर शक्ति, ये वृक्ष जो हैं इनके अंदर वह मधुरिमा छिपी हुई है जो फूल और फल दोनों का उपादान प्रकृति के माध्यम से दे रही है। छोड़ तू बड़भागिनी ये उभय लालच छोड़,
किंतु हे बड़े भाग्य वाली, बड़े भागिनी, बड़े भाग्य वाली, तू इन इस लालच को छोड़ दे, इन दोनों लालचों को छोड़ दे, सुगंध को भी छोड़ दे, सुंदरता को भी छोड़ दे, और उसके प्रतिदान स्वरूप जो फल आ रहे हैं उन्हें भी छोड़ दे। आज तो सिर काटने में हो रही है होड़, क्योंकि यह जो समय है सिर काटने में, एक स्पर्धा बनी हुई है। अब सिर कौन काट रहा है? सिर काटना यहां पर जो है प्रतीकात्मक है, यह अंग्रेजी शासक हमारा हर तरह से दोहन करना चाह रहा है, यह सिर काटने के बराबर है। लालच हमें दूसरी तरह का दिया जा रहा है, क्योंकि वृक्ष जो है, वृक्ष में फूल आएंगे और फल आएंगे, यह वनस्पति का उपादान है, प्रकृति का दान है, प्रतिदान है, जीवन का संचय इससे से होता है, हमारे जीवन का निर्वाह इससे से होता है, और इसी को आधार बनाकर प्रतिस्पर्धा का भाव यहाँ पर आ रहा है, और व्यापार के निमित्त इन सारी चीज़ों का दोहन करने का एक यत्न अंग्रेजों के द्वारा किया जा रहा है। तो सिर काटने में हो रही है होड़, क्योंकि यहाँ पर प्रतिस्पर्धा का भाव बना हुआ है और वे शोषण करना चाहते हैं, इसलिए हमें इस प्रकार के सभी लालचों को छोड़ना है। अरे व्यर्थ नहीं कि प्रियतम मांगता है दान, ले अमर तारुण्य अपने हाथ हो कुर्बान। ऐसा मत समझो कि हमारा प्रियतम दान मांग रहा है, नहीं, ये व्यर्थ नहीं है, क्योंकि यदि हमें अपनी आजादी को प्राप्त करने के लिए अपना सर्वस्व त्यागना भी पड़े तो हमें पीछे नहीं हटना है, हमारे हाथ में हमारी जवानी है, तो इस जवानी को हम और किसी आकर्षण में न बांधकर अपने देश की रक्षा के लिए कुर्बान हो जाएं, उसको हम समर्पित कर दें, त्याग कर दें, बलि पथ पर जाएं और अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दें और अपनी आज़ादी की रक्षा करें, यही हमारे लिए सार्थकता होगी। बेटेंगी बिट जाए चंचल जा, यदि हमारे मन में उठने वाली कोमल कमनीय विषय वासना से निरत जवानी की चंचल इच्छाएं जागृत होती हैं और बलि पथ पर जाने से यदि वो मिटती है तो मिटने जाने दो, मुनि रह तू हो नारी तबा। यदि यहाँ पर तुझे किसी तरह से अन्य कार्यों के लिए अन्य शक्तियाँ आकर्षित कर रही है ऐसी स्थिति में तो आँख बंद कर ही रहे, क्योंकि आँख खोलने पर तो तबाह हो जाएगी। तेरे मन में एक जो संकल्प है कि मैं अपने प्राणों का उत्सर्ग अपने राष्ट्र के लिए करूं, उस भावना को चुपचाप अपने मन में रख, अवसर आए तो उसके लिए प्रयत्न कर, अन्यथा चुपचाप अपनी आंखों को बंद करके रख। बंद करके रखना आंखों को इस बात का प्रतीक है कि यहाँ पर हमें अपने संकल्प को किसी के सामने प्रकट नहीं करना है, केवल जब अवसर आए उसी समय उस कर्म को करना है। अगली व्याख्या का अंश है, हंस रही है और हंस ले खूब तू मत बोल, भोगियों के चरण की कुचलन बनाकर मोल, तुच्छ से अनुराग पर वे खो रही है त्याग, राग पर उनके हुआ अपमान भोगी बाग, चाह तेरी भी बनेगी नाश का गोदाम, क्या तुझे भी चाहिए तारुण्य का नीलाम, संभल अलिगण छू न पाए पराग, भैरवी सोरठ समझ मत जाग। कवि कहता है हंस रही है और हंस ले खूब तू मत बोल, तेरे सौंदर्य पर देखकर लोग रिझते हैं, रिझते प्रकृति को संबोधित करके किया कहा जा रहा है कि तेरे सौंदर्य को देखकर यदि कोई आकर्षित होता है तो होने दे, तुझे देखकर कोई हंसता है तो हंसने दे, तू कुछ नहीं कर रही है, आंख बंद कर पड़ी है, पड़ी रहे उस पर यदि कोई हंस रहा है तो कितना भी हंस ले, हंसने दो, हमें उनकी हंसी से उनके व्यंग से आहत नहीं होना है, क्योंकि सामने वाला तो हमें किसी न किसी तरह से हमारे रहस्य को जान लेने के लिए आतुर है। भोगियों के चरण की कुचलन बनाकर मोल, क्योंकि ये तो जितने भी भोगी लोग हैं, चाहे वे राजा हों, जमींदार हों, अंग्रेज शासक हों, विषयाशक्त लोग हों या भोग करने वाला हो, हमें उनके चरण की, उनके पैरों की कुचलन नहीं बनना है, हमें उनके पैरों से रौंदा नहीं जाना है। फूल जब बाग में खिलता है तो जब तक उसका पराग भ्रमर चूस नहीं लेता है तब तक उसका महत्व रहता है, पर एक बार फूल के पराग को भ्रमर ने चूस लिया तो फूल की क्या महत्ता रहती है, फूल वहाँ से तोड़कर फेंक दिया जाता है।
कुमला जाता है तो तोड़ के दिया, और किसी भी पैरों के नीचे वह कुचल जाता है। इसी तरह से मनुष्य की जवानी भी होती है, जब तक उसकी जवानी का आसो है, जवानी का सौंदर्य है, जवानी की शक्ति है, तब तक तो उसकी कीमत है, और जवानी जब समाप्त हो जाती है तो फिर शक्तिहीनता की उस स्थिति में जो भी शोषक वर्ग है उसके द्वारा वह उपेक्षित हो जाता है। तो ये कुचलन यहाँ उपेक्षा का भाव प्रदर्शित कर रहा है। राग पर तुच्छ से अनुराग पर वे खो रही है त्याग, राग पर उनके हुआ अपमान भोगी बाघ। तुच्छ से अनुराग पर, एक तुच्छ है छोटा सा सूक्ष्म जिसका कोई मोल नहीं, जिसकी कोई कीमत नहीं, अनुराग है ना प्रेम, तो जो एक छोटा सा प्रेम है उस पर वे अपने संपूर्ण त्याग की भावना को खो रही है। राग पर उनके हुआ, और राग यहां पर प्रेम के प्रतीक के रूप में भी है, सौंदर्य के प्रतीक में भी है, तो राग पर उनके हुआ अपमान भोगी बाघ, और उनके इस प्रेम पर जो बाघ है और उसका जो सौंदर्य है वह अपमान को भोगता है, क्योंकि एक बार शोषण हुआ तो उसके बाद फिर उसका कोई मूल्य नहीं रह जाता है। चाह तेरी भी बनेगी नाश का गोदाम, तुम्हारी जो भी इच्छाएं हैं वह यदि तुमने अपने आप को अभिव्यक्त कर दिया या अपने सौंदर्य को किसी को भी समर्पित कर दिया, उस स्थिति में यह तो जो तुम्हारा बाग है यह नाश का गोदाम हो जाएगा, अर्थात संपूर्ण भारतवर्ष जो है यह शोषण का केंद्र बन जाएगा। क्या तुझे भी चाहिए तारुण्य का नीलाम, तो क्या तुम अपनी जवानी को नीलाम करना चाहते हो? नहीं, हे भारतवासियों जागो, तुम में जो यह सौंदर्य है उस सौंदर्य को, अपनी जो शक्ति है उसे संभाल कर रखो। संभल अलिगण छू न पाए पराग, इसलिए तुम्हें सावधान होने की जरूरत है। यह जो अलिगण है अर्थात अंग्रेज शासक हैं या जो भी शोषण करता है, वे तुम्हारे पराग को छूए नहीं, किसी तरह से उसका स्पर्श भी ना कर पाए। भैरवी सोरठ समझ मत जाग, ऐसा मत समझना कि ये जो भैरवी राग तुम्हारे सामने जागने के लिए बजाया जा रहा है, इसको सोरठ समझकर अर्थात एक रागिनी समझकर मत जागना, क्योंकि यह यहाँ पर तुम्हें जगाने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें शोषित करने के लिए ही उपस्थित हुआ है। यह भ्रम है, इस भ्रम में हमें किसी भी भारतीय को नहीं पढ़ना है। यह बात इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने अभिव्यक्त की है। व्याख्या का अगला अंश, क्या कहा कैसे सहूं इस कोकिला की हुक, और मैना की मधुरता कर रही दो टुक, मृदु चिड़ियों की चहक पर महक है बेचैन, यह सवेरे की हवा आ गई बनकर मैन। ठीक है तब भी छिड़े तेरा प्रलय से जंग, री प्रसादिनी हो न तेरा वह तरुण तप भंग, भावुको के अमित अभिमान, जाग मत अगपर नगर अवसान। कवि कहता है क्या कहा कैसे सहूं इस कोकिला की हुक, मधुर ध्वनि आएगी तो आकर्षित तो होना ही है, सौंदर्य से या मधुर ध्वनि से हर कोई आकर्षित होता है। तो कवि कह रहा है कि क्या कहा तुमने, कहा कि भाई ये कोकिला जो है बसंत ऋतु में इस आम वृक्ष की डालियों पर बैठकर कूक रही है, तो उससे क्या किस उससे उससे प्रभावित नहीं होना है क्या, उसको कैसे सहन करें? यदि एक तरफ हम त्याग और बलिदान की बात करते हैं और दूसरी तरफ हमारे सामने सौंदर्य की मधुरिमा है, जीवन की तरुणाई है, और एक सौंदर्य का और मधुरता का एक प्रतीक हमारे सामने कोयल के रूप में आ रहा है, तो उसे कैसे सहन करें, क्योंकि दोनों चीज़ें सहन नहीं की जा सकती। और मैना की मधुरता कर रही दो टुक, और इसी तरह से मैना भी जो है वहाँ पर अपनी मधुर ध्वनि को हमारे सामने रख रही है, तो चाहे वो कोयल हो अथवा मैना हो, यह आकर्षण के प्रतीक है, इनसे बचना बहुत कठिन प्रतीत हो रहा है। मृदुल चिड़ियों की चहक पर महक है बेचैन, और इसी तरह से वन संपदा के ऊपर चिड़िया भी बैठी हुई है, वह भी अपने कलरों से वातावरण को प्रभावित कर रही है, बेचैन कर रही है। यह सवेरे की हवा आकर बन गई मैन, सवेरे के जो कोमल शीतल मंद समीर होता है
हवा का झोंका होता है, वह कामदेव बनकर सामने आता है। मैं नाने कामदेव, कामदेव बनकर सामने आ रहा है, काम की भावना जगा रहा है, विषय वासना जगा रहा है। प्रकृति यहाँ पर उद्दीपक रूप में हमारे सामने आ रही है, और जब इतना सौंदर्य से आपूरित वातावरण होता है तो किसी के भी मन में सौंदर्य और काम की भावना जागृत होती है। तो ऐसी स्थिति में मन पर नियंत्रण कर पाना बहुत कठिन होता है, पर कवि कहता है ठीक है, तब भी छिड़े तेरा प्रलय से जंग। उनका ठीक है, यह सब कुछ हो रहा है, परंतु तुझे प्रभावित नहीं होना है, और जो प्रलय की स्थितियां आ रही है उसे तुझे युद्ध करना है, अर्थात स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ना है। री प्रसादिनी होन तेरा यह तरुण तप भंग। हे प्रसाद को देने वाली भारतीय नारी या भारतीय पुरुष, जो जीवन का प्रसाद वितरित करने के लिए तत्पर बैठे हो, तुमने जो आज़ादी को प्राप्त करने के लिए एक तपस्या की है, वह तपस्या प्रकृति के सौंदर्य से भंग नहीं होना चाहिए, और मन को नियंत्रित करना है, संयमित करना है, और अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर आगे बढ़ना है। भावुकों के अमित अभिमान जाग मत, अघ पर न कर अवसान। यदि कोई तुम्हारी निंदा भी करता है तो उन निंदा के स्वरों को सुनकर हमें भावुक नहीं होना है, और जो एक मिथ्या अभिमान है, मिथ्या गर्व है, उससे हमें प्रभावित नहीं होना है। इसलिए हम उनके सामने अपने अंतःकरण को न खोलें और अपने उद्देश्य में लगे रहें। यही बात इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहता है। व्याख्या का अगला अंश है, मिस्र के कर फेंकते तुझ पर सुनहली धूल, डाली पर तेरी रही निर्दय मुनैया झूल, कर रहे तुझको हवा पत्ते अपनपा भूल, कामनी का दे झाड़े प्रमत दुकुल, पर न इनकी मान तू है शाप ये वरदान, हिम किरीटनी ने मंगाए हैं सखी तव प्राण, बिना बोले मात्र चरणों डोल और उस दिन तक हृदय मत खोल। मित्र के कर फेंकते तुझ पर सुनहली धूल, मित्र यहाँ पर सूर्य के लिए प्रयुक्त हुआ है, और सुबह सुबह सूर्य की कोमल रश्मियाँ जो है सोने के रंग की होती है, सुनहली होती है, वह आ रही है। डाली पर तेरी रही निर्दय मुनैया झूल, और फूलों की डाली पर लाल मुनैया एक लाल पक्षी होता है, मादा पक्षी, यह वहाँ पर झूल रही है और अपनी चोंच से फूलों की पंखुड़ियों को नोच रही है। कर रहे तुझको हवा पत्ते अपनापा भूल, अपनापा यानी अपनापन भूल कर जो पत्ते हैं वे हवा के झोंकों से झूल रहे हैं, और कामिनी का दे रहा है झाड़े प्रमत दुकुल, और जो नए नए पत्ते वृक्षों पर आ रहे हैं रंग बिरंगे लाल रंग के, वे नए पत्ते ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे उस प्रकृति रूपी कामिनी स्त्री को नया वस्त्र प्रदान कर रहे हों। पर न इनकी मान तू, परंतु इसी किसी भी बात को तुझे मानना नहीं है, हैं शाप, क्योंकि ये वरदान नहीं है, शाप है। यह एक आकर्षण जो है वह तेरा अंत करने वाले हैं, हिम किरीटने ने मंगाए हैं सखी तव प्राण। यह भारत माता जो है जिसने रजत मुकुट धारण कर रखा है, हिम से आच्छादित हिमाचल पर्वत जिसका मुंह है, उसने तेरे प्राणों को मांगा है, इसलिए तू उसे बचा कर रख, बिना बोले मात्र चरणों डोल और उस दिन तक हृदय मत खोल। जब तक तू अपने माता के चरणों में अपने सिर को समर्पित नहीं कर देती, तब तक अपने हृदय में जो उद्गार हैं, भाव हैं, उन्हें किसी भी तरह से अभिव्यक्त मत कर। यह बात यहाँ पर कवि कहना चाहता है। अंतिम अंश इस कविता का है जो विशिष्ट है, और सारी कविता का जो भाव है उसी अंश में समाया हुआ है, वह यह है, जब सिपाही उठे सेनानी उठे ललकार, मातृ बंधन मुक्ति का जिस दिन मने त्योहार,
जबकि जनपथ लाल हो किसी की तलवार, आएगा सिर काटने उस दीवन मालाकार, करेगा हुंकार कलियां बंद हो तैयार, सूजियों से छेदने में आज उनकी बार, यह मधुर बलि हो विजय का मोल, मानिनी तब तक हृदय मत खोल, हिम किरीटनी की परम उपहार, प्रिय सजनी वनराजे की श्रृंगार। कवि कहता है जब सिपाही उठे, सेनानी उठे ललकार, युद्ध का समय आ चुका है, यह अंतिम युद्ध है जब हमें आज़ादी प्राप्त करनी है, तो सिपाही उठेंगे और सेनानी जो हैं ललकारेंगे। मातृबंधन मुक्ति का जिस दिन मने त्यौहार और जिस दिन हम अपने माता अर्थात भारतवर्ष, भारत माता को स्वतंत्र कराने के लिए आगे बढ़ेंगे, वह त्यौहार के सदस्य होगा, जबकि जनपथ लाल हो, और जनपथ वह मार्ग जहाँ पर हम चलकर अपनी आज़ादी को प्राप्त करेंगे, वह हमारे खून से लाल हो जाएगा, हो किसी की तलवार, चाहे किसी की भी तलवार हो, आएगा सिर काटने उस दिवस मालाकार, उस दिन मालाकार अर्थात माली, इस बाग की रक्षा करने वाला उस दिन आएगा और वह सिर काट देगा, करेगा हुंकार, वह हुंकार भी करेगा, जोर से चिल्लाएगा भी, कलियां बंद, कलियां सब बंद हो जाएगी, हो तैयार, जो भी कलियां जिन्होंने भी, जो यौवन से भरे हुए लोग हैं, कली अर्थात यौवन का प्रतीक, कली अर्थात तरुणाई, इस देश की तरुणाई है, इस देश के जो युवा हैं उन सबको संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि आप तैयार हो जाइए, सूजियों से छेदने में आज उनकी बार, क्योंकि जो कलियां होती है उनको सुई की नोक से छेदा जाता है तब कहीं हार बनता है, तो तुम जो है तुम्हारे मस्तक यहाँ पर कटेंगे और उस मस्तकों से जो एक माला बनेगी वह भारत माता की स्वतंत्रता के गले में पड़ेगी, और स्वतंत्र भारत माता के गले में वह जो तुम्हारे मस्तकों का हार है वह कलियों के हार के सदृश सुशोभित होगा। यह मधुर बलि हो विजय का मोल, माननी तब तक हृदय मत खोल, हिम किरीटनी की परम उपहार, रिसजनी वनराजी की श्रृंगार। यह मधुर वेला है उस समय जबकि हम विजय को प्राप्त कर रहे हैं, माननी तब तक हृदय मत खोल, हे माननी स्त्री, हे माननी, हे सौंदर्य वाहिनी, हे प्रकृति, हे भारत की जननी, हे भारत के लाल, तुम उस समय तक जब तक कि हमें विजय नहीं मिले अपने हृदय और अपने हृदय में बसी हुई भावनाओं को अभिव्यक्त मत करो, हिम किरीटनी की परम उपहार, क्योंकि हमें उस बर्फ आच्छादित भारत माता के मस्तक के लिए एक उपहार देना है। हे सखी, यह वन की जो संपदा है, फैली हुई संपदा है, यही भारत माता का श्रृंगार है और इसे सहेज कर रखना है जब तक कि हमें आज़ादी प्राप्त नहीं हो जाती। यह बात इस कविता के माध्यम से पंडित मंगललाल चतुर्वेदी ने अभिव्यक्त की है। हिम किरीटनी पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की वह कविता है जो प्रकृति के माध्यम से राष्ट्रीय भावनाओं की अभिव्यक्ति को आकार प्रदान करती है। इस कविता के माध्यम से पंडित माखनलाल चतुर्वेदी ने छायावादी कविताओं की चित्रात्मकता और मानव चेतना दोनों को स्पंदित किया है। इसमें उनकी चेतना अधिक उन्मुक्त है, सहज है, और उसके माध्यम से उन्होंने प्रकृति और मानवीकरण दोनों के बीच में जो एक सामंजस्य स्थापित किया है वह स्तुत्य है और अनुकरणीय है। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी हिंदी की राष्ट्रीय कविता के सशक्त हस्ताक्षर हैं और उनकी राष्ट्रीय कविताएं न केवल भारतीय बल्कि वैश्विक धरातल पर भी अपना विशेष महत्व रखती है। इस दृष्टि से हिम किरीटनी की यह रचना विशेष महत्वपूर्ण है।